सबको पता है जब हम रिजेक्ट होते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। हम सोच में पड़े जाते हैं, मैंने क्या गलती कर दी, और हम खुद में कमी ढूंढने लगते हैं, कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं। देखो, अगर तुम प्यार के खेल में नए हो तो जान लो, रिजेक्शन को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। तुम्हारा प्रपोज कर देना ही काफ़ी है। लड़कियाँ खुद कन्फ्यूज होती हैं, उनके जवाब को उतना सीरियसली मत लो। रिजेक्शन के बाद तुम खुद को जितना फ्रीली शो करोगे, जितना रिलैक्स शो करोगे, लड़की तुम्हारी उतनी दीवानी होती चली जाएगी। लड़की को अजनबी लड़के पसंद होते हैं, लेकिन प्यार उसे आसपास के लोगों से ही होता है, क्योंकि उसे यही लोग सहारा देते हैं। लड़की को सहारा देने वाला, लड़की जब गुस्सा हो तो उसकी तारीफ करने वाला, लड़की के जलन में जलने वाला, लड़की के खुशी में खुश होने वाला, लड़की के दुख में दुखी होने वाला, लड़की के काम को अप्रिशिएट करने वाला लड़का ही लड़की का बॉयफ्रेंड बन सकता है। अपने बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा क्या बात कर रहे हो इस पर ज़्यादा ध्यान दो, और क्या बोलना चाहते हो इसे फील करो। तुम्हें शब्द अपने आप मिलते जाएंगे। जैसे तुम लड़की से प्यार करते हो, ये फीलिंग तुम्हारे दिल में है, तो तुम्हारे मुंह में सिर्फ उसकी तारीफ ही होगी। तुम अपने सपनों की बात करोगे, तुम दोनों के लाइफ फ्यूचर में क्या होगी इसकी बात करोगे। तुम्हें जब पता होता है कि तुम क्या बोलना चाहते हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंट अपने आप आने लगेगा। जो भी बोल रहे हो उसे धीरे धीरे बोलो, वॉल्यूम लेवल इतना रखो कि सामने वाला आसानी से सुन पाए। तुम्हें बार बार रिपीट न करना पड़े कि तुम क्या बोल रहे हो। बहुत सारी लड़कियों को तारीफ पसंद नहीं होती। लड़की की तारीफ करते ही तुम उसके शक के घेरे में आ जाते हो। लड़की की आंखों की तारीफ, उसके बालों की तारीफ हजारों लोगों ने की होगी। उसके आंखों की तारीफ, बालों की तारीफ करते ही लड़की तुम्हें उस लिस्ट में शामिल कर लेती है जिस हजारों लड़कों को उसने रिजेक्ट कर दिया है। कभी ये सोचकर मत जाओ कि लड़की हाँ कर देगी तो सिर्फ तुम्हारा ही फायदा होगा। कुछ मांगने के लिए मत जाओ। लड़की को बताओ कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी तो उसको क्या फायदा होगा, तुम्हारे साथ वो कैसे इंजॉय कर सकती है। उसे सीधे लफ्जों में बताओ कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों बने। देखो, बहुत सारे सिचुएशन में लड़की यूं ही मना कर देती है। लड़की समझती है कि तुम उसके टाइप के नहीं हो। तुम एक बार प्रपोज कर चुके हो, लड़की ने तुम्हें मना कर दिया है, लेकिन लड़की अब भी तुमसे बात करती है तो समझो लड़की इंतजार कर रही है कि तुम उसके टाइप के बन जाओ। वो तुम्हें पसंद करती है। अगर तुम रिजेक्शन को इस तरीके से समझोगे, लड़की ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, अपने अंदर कमी ढूंढने के बजाय लड़की को कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में सोचो। ऐसी लड़की का क्या करोगे जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के बाद भी तुम्हें इंजॉय ना कराए, तुम उसके साथ खुश ना रहो। जो लड़की तुम्हें रिस्पेक्ट ना करती हो, ऐसी लड़की का क्या करोगे जो तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हें अकेलापन महसूस कराए। ऐसी लड़कियाँ टाइम वेस्ट होती है। अगर तुम रिजेक्ट होते हो तो तुम इसे कभी नेगेटिवली मत लो। रिजेक्ट होने के बाद तुम्हें तुम्हारी खासियत और बुराइयों का पता चलेगा। लड़की तुम्हें सीधा सीधा बोलेगी, तुम मुझे पसंद हो बट मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। ऐसे मामले में रिलेशन बनाया जा सकता है। लड़की को बोलो तो सही, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, रिजेक्शन होता ही है, इस बात के लिए तैयार हो जाओ और हमेशा नए शुरुआत के लिए तैयार रहो। लड़की रिजेक्ट कर दे तो उसके कारण ढूंढो, खुद को इम्प्रूव करो और नई लड़की पर ट्राई करो।